आज हम बात करेंगे यूनिट की, जो DSO होती है उसके अंदर हम जो इसकी प्रॉप होती है हम किस तरीके से डिफाइन करें और किस तरीके से हम इसे चेक करें कि कौन से जो हमारे DSO है, जो आपका 25 मेगाहर्ट्ज़ है, 60 मेगाहर्ट्ज़ है, 100, 200, 300 पे हम कौन सी प्रॉप सपोर्ट करेगी और कौन सी नहीं सपोर्ट करेगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर पेज पे लिखा हुआ भी है, जो इसके अंदर मैनुअल आता है, पैसिव प्रॉप UTP01 25 मेगाहर्ट्ज़, UTP03 60 मेगाहर्ट्ज़, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो एंड UTP04 100 मेगाहर्ट्ज़, UTP05 200 मेगाहर्ट्ज़ एंड UTP06 300 मेगाहर्ट्ज़। तो देखिए दो तरीके की अभी मार्केट्स में प्रॉप चलती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें जो ब्लैक कलर है ये यूनिट की ओरिजिनल प्रॉप है, मैं अलग अलग कर देता हूँ जी हाँ। देखिए ये यूनिट की ओरिजिनल प्रॉप है और इसकी पहचान क्या है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, इस पर लिखा है P04, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है P04 100 मेगाहर्ट्ज़। अब जैसे इस बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए UTP04 100 मेगाहर्ट्ज़, मतलब ये कि आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ तक बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है UTP04 100 मेगाहर्ट्ज़। एंड जो मार्केट में भी चल रही है ये देखिए, ये इसकी कंपेटेबल, हम इसे जो कंपेटेबल मार्केट में भी यूज चल रही है, ये देखिए इसमें लिखा है T5060 60 मेगाहर्ट्ज़, तो इसका मतलब ये कि आपका 60 मेगाहर्ट्ज़ तक चलेगी प्रॉपर, एंड उसके बाद का जो है कुछ पता नहीं है कि ये किस तरीके की। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। यदि आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम ऐप पर सर्च में BR इन्फोटेक मेरठ टाइप करेंगे और रिफिक्स टूल आइकन वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।